नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही शाम 4:50 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने सदन की वेल में आकर नारेबाजी की। विपक्ष बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हमलावर दिखा। विधानसभा अध्यक्ष के लगातार बोलने के बाद भी विधायक वापस नहीं लौटे और सदन में बवाल काटा जाता रहा। विपक्षी विधायकों के सदन की तरफ पीठ दिखाने पर स्पीकर भड़क गए। यहाँ बेल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बेल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बेल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। और बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विधान परिषद के बाहर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ललन सिंह के बयान पर भड़क गई और जमकर बवाल काटा। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी के बजट पर सवाल उठाने पर उनकी समझ पर सवाल खड़े किए थे। ललन सिंह ने पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि कितना लंबा दस्तखत करती है। लोग करता है बीजेपी जदयू वाला, महिलाओं का अपमान। हम क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह के बोले हैं कि आप जानते नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तक करती है, बजट के हाल क्या जाने गए, क्या बोलेगी, महिला का अपमान हुआ। पूछना चाहता है ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे और ले आकर दे सर्टिफिकेट, उनका महिला कितना पड़ी है, उनका माँ कितना पड़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला, लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए ललन जी का। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करे। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंच गए। पटना पहुंचने पर उन्होंने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला और बजट को निराशाजनक बताया। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू प्रसाद के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद को विकास केवल अपने परिवार में दिखता है। दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव लगातार आरोपी होने के नाते सरेंडर करते रहे, इसीलिए उन्हें सरेंडर करने से लगाव है। लालू प्रसाद लंबे अरसे से मंत्री रहे लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार में अपने सहयोगी दलों की मदद कर रही है, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बयान जाहिर करता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं। तबीयत खराब है, बुजुर्ग आदमी है, उससे बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर आप लोग भी ध्यान नहीं दीजिए, हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, लोग ग्रस्त है बेचारे, भगवान उनकी रक्षा करे। क्या बिहार को झुंझुना मिला है लालू यादव बोल रहे हैं? लालू यादव जी के पार्टी और लालू यादव जी के परिवार में झुंझुना ढोलक से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए ढोलक और झुंझुना से ज्यादा बात और घंटी से ज्यादा बात उस सोच भी नहीं सकते। बिहार का विकास, बिहार का कम्युनिकेशन का व्यवस्था उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अपने परिवार के विकास के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। लालू प्रसाद जी उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं और सरेंडर करने का उनको आदत लगा हुआ है, फोटो टू सरेंडर करते रहते हैं ना, इसीलिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बिहार को विशेष पैकेज मिला माननीय लालू जी, जब आप केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे,
आपने बिहार के लिए कोई भी काम नहीं किया कर पाए। साथ ही साथ जब बिहार और झारखंड एक था, जब आदिवासियों का व्यापक जनसंख्या था, पर्वतीय क्षेत्र हमारे पास था, उस समय तो विशेष दर्जा आपको याद आया नहीं। तो स्वाभाविक रूप से लालू जी आपको सरेंडर करने की आदत है, इसीलिए सरेंडर शब्द का आपने इस्तेमाल किया। आप की बात कर रहे हैं, झुनझुना मिला है बिहार को। तो राहुल गांधी जी नाकाम है, अखिलेश यादव नाकाम है, इंडी गठबंधन के घटक दल दिल्ली में बोल रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है, सहयोगी दल को खुश किया गया है, सहयोगी दल के जो यहाँ पर है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कह रहे झुनझुना है, झुनझुनने जब है तो राहुल गांधी को अयोग्य बोलिए। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं। तेजस्वी यादव अब तक सदन में नजर नहीं आए। तेजस्वी यादव के सदन में नहीं रहने पर सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। नीरज कुमार का कहना है कि लापता होकर तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में आ गए हैं। महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। सच तो यह है कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के मानसून सत्र में लापता होने के कारण सवाल के घेरे में आ गए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। आज विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो कई विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर और अंदर जोरदार प्रदर्शन किया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को विफल बता दिया। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में हत्याओं का दौर जारी है, बिहार में आम जन सुरक्षित नहीं है। पूर्व मंत्री के पिताजी की हत्या की जाती है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर के आज हम लोग सदन में मामला उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार में बाहर है गोलियों की बौछार है और अपराधियों की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करने को लेकर कांग्रेस विधायक मुंह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। बिहार में बढ़ रही हत्या बलात्कार पुलिस दमन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको बुरी तरह से पीटा गया। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है कि जो विपक्ष में रहे उसको पुलिस से पिटवाया जाए, ये लोकतंत्र को खत्म। वहीं विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया और कहा कि ये लोग पहले कानून को तोड़ते हैं और जब कार्रवाई होती है तो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कानून व्यवस्था को जो तोड़ेगा उस पर समुचित कार्रवाई प्रशासन करती है। हम लोग भी किए थे तो हम लोगों पर भी हुआ था, उस समय नहीं याद आया था तो अब रोते हैं बेकार जी। नहीं, कानून व्यवस्था को संधारण करने के लिए प्रशासन कुछ करती है, इसमें नीतीश कुमार का रोल कहाँ है। विपक्ष जिस तरह से मुखर होकर प्रोटेस्ट कर रहा है उसे आने वाले समय में बिहार में जोरदार सियासी टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों पर खुलकर अपना पक्ष रख रहा है। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो काम आरजेडी ने कर दिया। आरजेडी ने ही प्रचार कर दिया कि बिहार को बजट में बहुत कुछ मिला है, लोकसभा चुनाव में हमने बहुमत प्राप्त किया और अब विधानसभा में भी बहुमत प्राप्त करेंगे। बजट का विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्र लग रहा है कि सहयोगियों के दबाव में ही बजट तैयार हुआ है, दोनों ही प्रदेशों को दिया गया, बाकी के साथ भेदभाव हुआ है। जितना प्रचार और प्रसार हम अपनी उपलब्धियों का नहीं कर सकते थे कि बिहार को बजट में क्या मिला है, 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हुई है, पहली बार वहाँ के लिए इतनी बड़ी धनराशि की गई है, उसका प्रचार जिस प्रकार हम नहीं कर पाते हमारी मित्र पार्टी आरजेडी ने कर दिया। आरजेडी ने सब पार्टियों के साथ मिलकर के कहा है कि दो राज्यों को ही धन मिला है, बिहार और आंध्र प्रदेश। वो ये भी भूल गए कि वो स्वयं भी कभी मांग किया करते थे कि विभाजन के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हुई है,
इसलिए बिहार को स्पेशल असिस्टेंस मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के आरजेडी ने जिस तरह से बिहार के आर्थिक पैकेज का विरोध किया है, 2025 का चुनाव आने दीजिए, ये 2010 के आंकड़े पर सिमट करके रह जाएगी जब इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक भी विधायक नसीब नहीं हुए थे। बजट ने हमारी उस जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको 100% पूरा कर दिया। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, जैसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया ऐसे ही विधानसभा में बहुमत प्राप्त करेंगे। पटना के गर्दनी बाग में पासवान समाज के धरने पर आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि धरना पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री को बुलाकर उनकी बात उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि यह मौलिक अधिकार का सवाल है। मुख्यमंत्री अपने आदेश पर पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा है कि धरने के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं। मैं परसों पटना जाकर आंदोलनकारियों से मिलकर फिर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखूंगा। राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से। पारस जी, पासवान समाज की तरफ से पटना में गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, क्या मांग है और आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पासवान समाज आज से नहीं आज़ादी के पहले से पासवान समाज के लोगों को अंग्रेज के जमाने से ही और देश जब आज़ाद हुआ उस समय से आज तक चौकीदार, दफादार और एक गांव में होता है रखवार जो जमीन की रखवाली करता है, ये तीनों पद पर उसी समाज के परिवार के लोगों को दिया जाता था। जब इसको चतुर्थ श्रेणी में इसकी दर्जा मिल गई तो अब बिहार सरकार ने उसको जनरल ट्रीट कर दिया और जनरल वैकेंसी निकाला है जो पासवान समाज के लिए अहितकर है। बुडको में इंजीनियरों की कमी और योजनाओं में हो रही देरी पर विधानसभा के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर ने सवाल किया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जल्द योजनाओं को पूरा करने का भरोसा दिया। हर जिला में ही बुडको के द्वारा श्मशान घाट का काम चल रहा है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और अमृत जल आपूर्ति योजना का काम चल रहा है और सिर्फ एक सहायक अभियंता के भरोसे में काम चल रहा है। पूरा पूछिए। हाँ, पूरा की पूछ रहे हैं। अरे भैया बात नहीं पूरा की पूछ रहे हैं। और परियोजना निदेशक एक है जो 6 अलग-अलग जिलों के प्रभार में है, तो ये किस प्रकार से दावा करते हैं कि ये निर्धारित समय तक ये योजना पूरी हो जाएगी? इनके पास कोई इंजीनियरिंग कैडर नहीं है। जिन योजनाओं की चर्चा की, 2020 में ये योजनाएं शुरू हुई और उसमें से 27 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं 36 में से। जो 5 योजनाएं वेरिएशन के कारण रुकी हुई है उसको वेरिएशन करके पूर्ण किया जाएगा और शेष 4 योजना का मैंने समय निर्धारण किया है। लेकिन माननीय सदस्य का जो पूछ रहे हैं अभियंताओं के बारे में, निश्चित रूप से अभियंताओं को कैडर अभी हमारा नहीं है। हम लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली की है, विभिन्न विभागों से हमें अभियंता मिल रहे हैं और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो समय सीमा हमने दिया है उसमें योजना कंप्लीट होगी। और सासाराम में प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। करगहर में सहुआर के उर्दू प्राथमिक विद्यालय की यह पूरी घटना है। सब्जी में चूहा देखकर बच्चे डर गए। गनीमत रही कि इसे खाने से कोई बीमार नहीं हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर अभिभावक स्कूल पहुंचे और हंगामा करते हुए मिड डे मील का बहिष्कार करने की बात कहने लगे हैं। स्कूल में एनजीओ के माध्यम से मिड डे मील की सप्लाई होती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। अभिभावक भी बच्चों को स्कूल का खाना खाने से रोक रहे हैं। डीपीएम ने मामले की जांच पर दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। बच्चों के भोजन में चूहा आ गया? हाँ, बच्चों के भोजन में जो एनजीओ के द्वारा भोजन लाया जा रहा है। वही। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सब बच्चा जब चूहा कुछ बच्चा खा लिया था और कुछ बच्चा नहीं खाया था तो बहिष्कार कर दिया। कुछ उल्टी भी किया है जाके घर पे शक बस जी। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि खाना को शुद्ध किया जाए, नहीं तो मिड डे मील बंद कर दिया जाए। और भोजपुर जिले में चोर बेखौफ दिख रहे हैं। मुफस्सिल थाना के सरैया बाजार में चोरों ने ग्रामीण बैंक की खिड़की काट दी। इसके बाद बैंक के
सेफ लॉकर के गेट को भी तोड़ डाला। हालांकि चोर सेफ लॉकर तक नहीं पहुंच सके, जिससे बैंक में रखा रुपया बच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें दो चोर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों ने एक कैमरा भी तोड़ दिया और बैंक में रखे कैश तक नहीं पहुंचने पर फरार हो गए। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर ने जानकारी मिलने पर जांच की, साथ ही बैंक में 8 कैमरे लगाने की भी जानकारी दी। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां वाल्मीकि टाइगर्स रिजर्व जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचे बाघ ने अपना ठिकाना बदल लिया है। चनपटिया के पुराना सरह में बाघ के दिखने के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बाघ जंगल की ओर से नदी के किनारे से आगे बढ़ रहा है। वन विभाग ने दावा किया है कि बाघ ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। वन विभाग की टीम लगातार बाघ के पैरों के निशान के आधार पर उसकी निगरानी में जुटी है। वन विभाग का यह प्रयास है कि बाघ को फिर से सुरक्षित जंगल तक पहुंचा दिया जाए। निगरानी की टीम कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर विभु विद्यार्थी और प्रधान लिपिक सत्यनारायण की कृषि भवन कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरानी डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में कार्यालय में टीम ने धावा बोला और 3 लाख रुपए रिश्वत लेने रेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अधिक जानकारी दे रहे पटना संवाददाता रजनीश कुमार। टीम ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है और इस वक्त हम कृषि भवन में हैं, जहां देख सकते हैं कि कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर विभु विद्यार्थी के साथ साथ प्रधान लिपिक को रंगे हाथ निगरानी की टीम ने अभी पकड़ा है और अब गिरफ्तार किया गया है। देख सकते हैं इस वक्त तमाम जो अधिकारी हैं विजिलेंस के यहां मौजूद हैं और हम सीधे ज्वाइंट डायरेक्टर के चैंबर में आपको लिए चलते हैं। देखिए कुर्सी पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं इन्हें ही पकड़ा गया है, इनके साथ साथ एक प्रधान लिपिक है इनके साथ, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये नोट बरामद किए गए हैं। यानी कहा जा रहा है किसान से जो है पैसे की मांग की गई थी, बदले में जो आरोप थे उसे रफा दफा किया जाता, लेकिन इस बीच जैसे ही सूचना मिली है निगरानी की टीम ने धावा बोला है और उसके बाद इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। यही अधिकारी है इन लोगों के द्वारा जो परिवादी हैं, इनका एक फॉर्म था इनका और भाई का ज्वाइंट पार्टनर के नाम से। पिछले साल जब ये डीओ के पक्ष पर थे पटना में, तो इनके द्वारा उस फॉर्म का इंस्पेक्शन किया गया था और उसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, कुछ आरोप लगाए गए थे। अब वर्तमान में जब यहाँ पर ये उपनिदेशक बन के आए डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर, तो उनको पुनः प्रधान लिपिक के द्वारा बुलाया गया कि साहब अब आ गए हैं और पावरफुल हो गए हैं, पिछले साल जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए थे स्पष्टीकरण पूछा गया था, जो भी मामले हैं उसको रफा दफा कर दिया जाएगा और इस एवज में उनसे 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। ये अभी जुलाई में यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 3 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किए हैं, उसके पूर्व ये पहले प्रमोशन पाकर यहाँ पर योगदान दिए हुए हैं। नहीं, ये जो आरोप है ये जो पकड़ा गया है, न पैसा मेरे चैम्बर में मिला है और न हम उसको कभी छुए हैं। हम तो खाना खाने जा रहे थे तो ये हमारे पास आए और हमको पकड़ लिए। हाँ, पैसा हम क्यों पैसा किसी प्रधान लिपिक ने क्यों फोन किया उनको कि मैं तो वो समझेंगे, हम तो जानते नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो ये मेरे प्रधान लिपिक भी नहीं है, ये तो डीओ कार्यालय में प्रतिनियुक्त है। तो सर बुलाए थे कि आइए है जो बार बार है जो यही बोले थे। हाँ हाँ यही बोले थे बोलने के लिए। तब ज्वाइंट डायरेक्टर है तो हम तो इनके अधीनस्थ हैं। अभी किस पोस्ट पर हैं? हम प्रतिनियुक्त प्रधान लिपिक यहाँ नहीं है। यही बुलाए थे? हाँ यही बोला। प्रतिनियुक्ति कौन किए थे यहाँ? प्रतिनियुक्ति यही किए थे। अच्छा, आरा से आपको यहाँ कर दिए? अच्छा, तो मतलब ये काम हो जाए इसीलिए? नहीं, तो बहुत पहले बहुत लोग के हुआ है, हमें तो बाद में हुआ। बहुत लोग जरिए जो है बार्गेलिंग चल रहा था, लेकिन जो शिकायत करता है उन्होंने विजिलेंस को सूचना दी, उसके बाद तत्काल विजिलेंस की टीम ने रेड किया और रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड की बादशाहत लगातार बरकरार है। दर्शकों का भरोसा जीतने में हम लगातार सफल रहे हैं। बार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 29वें हफ्ते में एवरेज मिनट ऑडियंस यानी AMA में न्यूज 18 बिहार झारखंड 2190 अंकों के साथ अपने प्रतिद्वंदी चैनलों को काफी पीछे छोड़ दिया है। यह आप दर्शकों का ही भरोसा है, जिसकी बदौलत हम लगातार नंबर 1 पर टिके हैं। एक बार फिर से हम पर भरोसा जताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।